Hello, hello, welcome back to my channel Joe Magic Tarot. I hope you all are doing good. So today I'm going to do a video on who will they choose next 3 months aapke and well when will they contact you. Okay, देखते हैं कि क्या होने वाला है. सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो तीन पाइल्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ द इयर रिंग, सेकेंड वन इज़ द लाइन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पिंक रोज. इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर लीजिए. आज मैं डायमंड स्प्रेड कर रही हूँ तो यू कैन मेडिटेट ऑन दिस कार्ड्स एंड डेफिनेटली यू कैन सेलेक्ट वन ऑफ देम. आई एम गिविंग यू टाइम फॉर द सेम. आई होप आपने मेडिटेट कर लिया होगा. सो लेट्स सेट अप टू पाइल नंबर वन. हे वेलकम बैक पाइल नंबर वन, जिन्होंने भी ये इयर रिंग चूज़ किया था. सो लेट्स चेक आउट योर कार्ड्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो 6 साल से आप इनको जानते होंगे फॉर सम पीपल एंड अदर पीपल 6 मंथ से आप जानते होंगे इनको. आपका रिलेशनशिप होगा इनके साथ एंड दीज आर द कार्ड्स. एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, हैंग्ड मैन इन रिवर्स, डेथ अपराइट, एट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट. ऑल दीज कार्ड्स आर देयर. ओके गाइस, सो द जोडियाक साइंस एसोसिएटेड विद दिस रीडिंग इज स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा है इस रीडिंग पे विद द डेथ कार्ड एंड टॉरस वर्गो कैप्स. ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो देयर. सो ये सारे सन साइंस यहाँ पे हैं. ओके गाइस, एंड विद द एट ऑफ कप्स इन रिवर्स, जो थर्ड पार्टी की तरफ उनका जो फीलिंग्स हैं, व्हाट दे फील टुवर्ड्स इस यू नो थर्ड पार्टी, दैट इज़ बेसिकली सैडनेस है, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत दर्द है, दुख है उनके साथ. अनरिक्वेटेड लव, इन्होंने इनको छोड़ दिया होगा या फिर कोई ना कोई एक वॉक अवे हो गया है इस रिलेशनशिप से. लव नहीं है उनके बीच में, ब्लॉक्ड है कम्युनिकेशन और ब्लॉक कर दिया होगा एक दूसरे के साथ एंड रिप्रेस्ड इमोशंस है. अपने इमोशंस को कभी बयां ही नहीं किया उन दोनों ने एक दूसरे के साथ. ओके, एंड वो जो वेल है उसके अंदर वो जो एंजल है वो देख रही है बट वो रिवर्स में है. सो जितने भी इमोशंस हैं वो बह चुके हैं या कभी थे ही नहीं वो इमोशंस. इनफर्टिलिटी की इशू हो सकती है, उनको बेबी नहीं हो सकता है उनका, या कोई अबॉर्शन हुआ होगा, मिसगैरेज हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा दोनों के बीच में, तो इसीलिए वो वॉक अवे हो गए इनसे. एंड प्रेगनेंसी इश्यूज हो सकते हैं, बेबी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ इशू होगा. और ब्रेकअप हुआ होगा, जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके लिए ब्रेकअप हो चुका है थर्ड पार्टी के साथ इनका. एंड बैड न्यूज़ ऑब्वियसली उनकी तरफ आया है, बैड न्यूज़. एंड यू नो कुछ सेलिब्रेशंस ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कुछ आगे के लिए सोचा हो एंड वो कैंसिल हो गया वो सारा कुछ सेलिब्रेशन. एंड सोशल इवेंट्स पे भी जाना बंद हो गया है उनका गाइस. ओके, तो जो हैंग्ड मैन इन रिवर्स, आपकी तरफ जो फीलिंग्स है राइट नाउ वो है डेफिनेटली डिसकंटेंटमेंट. आप दोनों का भी ब्रेकअप हो चुका होगा, आपसे बात नहीं होगी, हो रही होगी एंड काफ़ी डिसकंटेंट है आपके साथ भी. आपको भी ब्लॉक किया होगा, वहाँ से भी यू नो ब्लॉक्ड है एंड काफ़ी डिसइंटरेस्ट आपकी तरफ दिखाया होगा. आपने बहुत इंटरेस्ट दिखाया होगा इनकी तरफ बट इन्होंने कम दिखाया एंड आपका रिलेशनशिप बिल्कुल स्टैगनेंट था, बिल्कुल रुका हुआ था एंड बिल्कुल इम्पल्सिव हरकतें करते थे या आपके साथ, या नेगेटिव पैटर्न्स होंगे. आपके पास आते थे देन आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास चले जाते थे, फिर थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ जाते थे. सो नेगेटिव चीज़ें थी बहुत ज़्यादा, ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन है आप दोनों का, बहुत ही ज़्यादा वो डिटैच हो चुके थे आपके साथ भी और अपने मिस्टेक से उन्होंने कभी कुछ सीखा नहीं. वहाँ पे भी उन्होंने मिस्टेक्स करी और आपके साथ भी मिस्टेक्स करी, तो वो सेम चीज़ें चल रही हैं एंड रिलेशनशिप डिड नॉट वर्क. आप दोनों का भी रिलेशनशिप नहीं चला एंड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे. आप दोनों के फाइट्स होंगे, इश्यूज़ होंगे, कमिटमेंट इश्यूज़. आपने कमिटमेंट मांगा होगा, उन्होंने मना कर दिया होगा, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते थे आपके रिलेशनशिप का एंड वो एक बैड रिलेशनशिप से रश करने के लिए आपके पास आए थे एंड ये सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया. कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला आपको भी एंड कोई अवेकनिंग इनकी हो नहीं रही है बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अवेकनिंग, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अवेकनिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो भी बंद हो गई है. सब कुछ होल्ड पे है आपका. ओके, सो अगर आप ये पूछोगे हु विल दे चूज़, सो डेफिनेटली विद इन 3 मंथ्स कुछ डिफरेंस हो सकता है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं आगे जाके.
क्योंकि हमारे पास डेथ कार्ड है, स्कॉर्पियो उनका सनसाइन हो सकता है, ये एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में हो सकते हैं इस थर्ड पार्टी के साथ बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी इश्यूज, फर्टिलिटी इश्यूज एंड विडो भी हो सकते हैं, या डिवोर्स होने वाला होगा या हो चुका होगा। बट 3 मंथ्स में इनका डिवोर्स 110% हो जाएगा। अगर सिंगल लोगों के लिए पूछ रहे हो तो इनका थर्ड पार्टी के साथ कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके गाइस, 3 महीने के अंदर अंदर क्या होने वाला है, 3 महीने में न्यू बिगिनिंग आपके साथ हो सकती है, ठीक है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनका, न्यू तरीके से ट्रांसफॉर्म करके आएंगे। डेथ का मतलब डेथ नहीं होता, डेथ का मतलब होता है न्यू चीज़ें आने वाली है, न्यू बिगिनिंग होने वाला है एंड वो पास्ट को भूल जाएंगे, पुरानी चीज़ों को। डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे डिवोर्स दिखता है, मेरे को यहाँ पे एंडिंग ऑफ अनदर रिलेशनशिप दिखता है। ओके, एंड चेंजेस आएंगे, आप देखोगे चेंजेस 3 महीने के अंदर अंदर ट्रांजिशन होगा एंड सडन चेंजेस आ सकते हैं एंड क्लिंगिंग टू द ओल्ड पैटर्न्स, जो पुरानी चीज़ों पे वो जो ध्यान देते रहते थे वो सब हट जाएगा, धीरे धीरे हटेगा, तो आपको टाइम देना पड़ेगा एंड थिंग्स ज़रूर चेंज होंगे एंड इनका डिवोर्स चलेगा। ये काउंसलिंग करवाएंगे, अगर ये काउंसलिंग यू नो इनका चलेगा काउंसलिंग एंड ऑल दैट, एंड आपके साथ एक एंगेजमेंट हो सकता है, एक न्यू प्रेगनेंसी आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, न्यू बिगिनिंग इनकी शुरू हो जाएगी आपके साथ एंड विद द एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जैसे मैंने बताया था सन साइंस। कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है इन 3 महीने के बाद इनको काउंसलिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाए, तो 8 मंथ के अंदर अंदर ये आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे, तो आप अपने यू नो सारे मीडियम्स ओपन रखना कि आपको कांटेक्ट कर सके एंड वो इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली वर्क करेंगे। दे विल चूज़ यू बिकॉज वहाँ से उनको वो कंटेंटमेंट नहीं मिला, दैट्स वाई दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू एंड वो बहुत हार्ड वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर। एक न्यू जॉब भी ढूंढेंगे, न्यू जॉब मिलेगी इनको, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं नया कुछ। हार्ड वर्क करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं एंड किसी तरीके का ट्रेड करेंगे, ठीक है। रेप्यूटेड ट्रेड होता है, जैसे क्राफ्टमैनशिप हो सकता है, किसी चीज़ में ये बहुत अच्छे हैं, वो चीज़ करेंगे, क्वालिटी चीज़ें करेंगे एंड डेफिनेटली यू नो मास्टर होना चाहते हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं एंड आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ एक रिलेशनशिप में दोबारा से आए, एक मैरिज में आए, आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो। फिनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहते हैं आपको, प्रोडक्टिव होकर काम कर रहे हैं कि कुछ उससे उनको मनी मिले और वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें एंड डेफिनेटली स्कॉलरशिप, अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली वो स्कॉलरशिप या पढ़ाई करने के लिए आउट ऑफ द कंट्री गए हों, दैट इज़ ऑल्सो फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है। क्वालिफिकेशन पढ़ाई कर रहे होंगे किसी चीज़ की, थर्ड पार्टी को छोड़ के 3 मंथ्स के अंदर अंदर यू नो सब कुछ इनका फाइनलाइजेशन हो जाएगा, तो 8 मंथ के अंदर अंदर वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ओके गाइज, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट हैड्स अप थम्स अप ऑन माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डो नॉट फर्गेट टू हिट द बेल बटन एंड अगर आपको पर्सनल बुकिंग्स चाहिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशनड है, इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच, लेट्स हेड्स अप टू पाइल नंबर 2। हेलो हेलो, वेलकम बैक टू पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये चूज़ किया था, यू नो दिस लायन, दीज आर योर कार्ड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, स्टार इन अपराइट, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स इन अपराइट एंड योर 3 ऑफ वॉन्ड्स इन अपराइट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स इन अपराइट। सारे कार्ड्स आपके अपराइट में हैं गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, द ज़ोडियक साइंस एसोसिएटेड विद दिस रीडिंग इज एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एरिस लियो सैज। एरिस लियो सैज और एक्वेरियस सबसे ज़्यादा है इस रीडिंग पे। ओके गाइस, एंड अगर आप ये पूछोगे हु विल दे चूज, सो अगर उनकी फीलिंग्स की तरफ चले थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी के साथ यू नो उनका पास्ट हो सकता है बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड ऑफ होप, वो होप करते होंगे इनके साथ आने के लिए, बट दिस पर्सन इज़ वेरी वेल ऑफ, थर्ड पार्टी काफ़ी वेल ऑफ है, काफ़ी इंस्पिरेशन है, कोई यू नो इंस्पिरेशन टॉक करने वाले हो सकते हैं या काफ़ी लोगों में पॉपुलर हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, काफ़ी फेमस हो सकते हैं सोशल मीडिया पे एंड वो इनको देखते हैं, बहुत काम है ये, कंटेंट है ये, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इनका रिन्यूअल चल रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते होंगे, जा रहे होंगे ये
एंड थर्ड पार्टी के साथ इनका हीलिंग चल रहा है, हीलिंग प्रोसेस में है, ये बैगेज को रिलीज़ कर रहे हैं किसी तरीके का। इनके बीच में यू नो अप एंड डाउन हो सकता है इनके रिलेशनशिप में, उस बैगेज को हटाना चाहते हैं पास्ट का एंड यू नो न्यू चीज़ें देख रहे हैं आगे की तरफ। और आपके साथ डेफिनेटली वो मूव ऑन होना चाहते हैं। शायद इनके साथ इनका ब्रेकअप हो चुका है गाइस, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। क्यों? क्योंकि आपके पास सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो काम ऑफ वाटर में आपकी तरफ आ रहे हैं। इनके साथ इनके बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं इन द पास्ट एंड काम ऑफ वाटर में आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनकी हीलिंग राइट नाउ चल रही है, प्रोग्रेस करना चाहते हैं आपकी तरफ एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट एंड दे वॉन्ट टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन। वहाँ से मूव ऑन करके आपकी तरफ आना चाहते हैं विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड इनका आपका एक किड हो सकता है, इनका एक किड हो सकता है, दैट इज़ 110% पॉसिबल विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। बेटा हो सकता है, बेटी हो सकता है। अगर आपसे रेजोनेट किया तो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड जो भी स्टॉर्म्स हैं, जितनी भी तूफान आए इनकी लाइफ में, उन सबको हटा के कामली वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके बेबी को एक्सेप्ट करें, उनको यू नो स्टेबिलिटी दें। अगर बेबी नहीं है, अगर आप सिंगल हैं, तो देन दे वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट पर्सन टूवर्ड्स यू। ओके, एंड वो अपने लाइफ में सेटल है, दैट थर्ड पार्टी इज सेटल्ड इन दर लाइफ। उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, शी इज़ अकम्प्लिश्ड इन हर ओन वर्ल्ड। क्योंकि उनके सेवन चक्रास सारे ओपन हो चुके हैं एंड एक्टिवेट हो चुके हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं। शी इज़ वेरी स्मार्ट। ओके, एंड जो भी एस्केपिज्म आपके साथ उन्होंने किया, भाग गए थे पहले आपको छोड़ के, वो सब हटाना चाहते हैं। हो सकता है कि इनका फुल एंड फाइनल हो चुका हो थर्ड पार्टी के साथ एंड डेफिनेटली वो जर्नी करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, ओवरसीज़ में जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आउट ऑफ द कंट्री रहते हो, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं एंड हॉलीडेज़ पे जाना चाहते हैं आपके साथ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं कुछ टाइम। एंड नेगेटिविटी था शायद थर्ड पार्टी के साथ, वो नेगेटिविटी हटा के आपकी तरफ आना चाहते हैं नाउ एंड डेफिनेटली स्पिरिट गाइड से आपको मांग रहे होंगे, टैरो रीडिंग्स देखते होंगे, टैरो रीडर के पास गए होंगे, आपके बारे में पूछा होगा, गाइडेंस ली होगी इन्होंने। ओके, फॉर सम पीपल। ओके, एंड विद द थ्री ऑफ वॉन्ट्स अगर हम देखें 3 मंथ्स में क्या होने वाला है, एरीज लियो सैज इनका सनसाइन, आपका सनसाइन हो सकता है एंड वो डेफिनेटली आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं। अगर आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते होंगे जहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी है और रिवर है, ऐसा कुछ लेक है, ऐसी जगह पे रहते होंगे एंड हो सकता है फॉरेन लैंड मूव हो गए और इनके साथ इनका मैरिज हुआ हो, दैट इज़ फॉर सम पीपल, या फॉरेन लैंड में इनको किसी के साथ कनेक्शन हो गया हो, बट दैट डिड नॉट वर्क एंड दे वॉन्ट टू कम बैक एंड वापस आना चाहते हैं। वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे आना है आपकी तरफ, मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहते हैं एंड इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल देखते हैं। 3 महीने में ये सब होगा एंड यू नो एक हैप्पी चॉइस लेना चाहते हैं वो आपके साथ एंड जो भी आउटकम होगा वो उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं, नेगेटिव नहीं देख रहे हैं। ओके, काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू एंड डेफिनेटली रोमांस तो है ही आपके तरफ उनको। आपको सोशल मीडिया पे चेक भी करते होंगे, ये सोशल मीडिया के थ्रू भी आप मिले होंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर फ्यू पीपल एंड डेफिनेटली फॉर्चुनेट होके आना चाहते हैं, ब्रेव होके आना चाहते हैं, हिम्मत से आना चाहते हैं वो इस बार एंड एडवेंचर करना इनको शौक होगा तो एडवेंचर्स भी जाना पसंद करते हैं, तो आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। ओके, एंड विद द टू ऑफ वॉन्ट्स अगर आप ये पूछोगे कि कब वो कॉन्टैक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको 2 से 3 मंथ में ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर 2 साल भी हो सकता है। जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, जो लोग यू नो कॉलेज में हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए 2 साल भी हो सकता है क्योंकि दे माइट बी कमिंग आउट ऑफ दिस मैरिज। ठीक है, उनके लिए जो लोग डेफिनेटली मैरिड लोगों के साथ हैं। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी इनके 2 पाथ्स थे, इन्होंने 2 पाथ्स चुना होगा आपके साथ भी, रिलेशनशिप उनके साथ भी, तो दे वॉन्ट टू शट इट डाउन एंड कम टूवर्ड्स यू, डिसीजन लेना चाहते हैं। ऑप्शंस उनके पास थे, उस ऑप्शंस को ड्रॉप करके आपकी तरफ आएंगे, प्लान कर रहे हैं कैसे आएंगे डेफिनेटली। एंड इमिग्रेशन का इशू हो सकता है इनको, कुछ मुझे नहीं पता गाइस, आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा। एंड दे विल बी सडनली लीविंग दैट पर्सन थर्ड पार्टी एंड डिसाइडिंग टू कम बैक टूवर्ड्स यू एंड दिस पर्सन कैन बी अ बिग टाइम यू नो दे लव टू वॉन्डर अराउंड, सो
उनको घूमने का बहुत शौक होगा शायद, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएगा, आपको घुमाने भी ले गए होंगे, ओवरसीज़ ट्रैवल ले जाना चाहते हैं आपको ओवरसीज़, शायद ये ओवरसीज़ से ही हैं तो ये आपको अपने पास वहाँ रखना चाहते हैं अपने साथ मैरिज के बाद। सो डेफिनेटली 2 साल या 2 महीने या 3 महीने में वो आपकी तरफ आएंगे गाइस। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट अ थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, थैंक यू सो मच, लेट्स हिट अप टू पाइल नंबर 3। हेलो हेलो, वेलकम बैक टू पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी ये पिंक रोज चूज़ किया था, लेट्स चेक आउट आपके कार्ड्स कौन से हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन अपराइट एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन अपराइट। ओके गाइस, सो दीज आर योर कार्ड्स। सो अगर हम जोडियक साइंस की बात करें तो यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है एंड एरीज लियो सैज है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है एंड लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। सो सबसे ज़्यादा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन ही है इस रीडिंग पे गाइस। ओके, एंड अगर हम टैरो की तरफ चलें तो जो आपके थर्ड पार्टी की तरफ उनका जो रिलेशनशिप है या फीलिंग्स है, यू नो, उन्होंने अपने थर्ड पार्टी के साथ, ये कार्मिक रिलेशनशिप है पूरा का पूरा, दिस इज़ अ कार्मिक साइकिल, दिस पर्सन इज़ इन अ कार्मिक साइकिल, मैरिड है, दिस पाइल इज़ ओनली फॉर मैरिड एंड डिवोर्सी पीपल गाइस। ओके, सो देर आर 2 other piles, यू कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम, इफ़ यू आर करंटली आस्किंग अबाउट अ पर्सन हु इज़ नॉट मैरिड देन यू कैन सिलेक्ट 1 and 2, दिस इज़ ओनली फॉर मैरिड एंड डिवोर्सी पीपल, बिकॉज वाई बिकॉज क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 of pentacles हैं एंड डेफिनेटली हमारे पास थर्ड पार्टी के 3 of pentacles हैं विच इज़ इन रिवर्स। ओके, सो उन्होंने अपने लर्न नहीं किया, जो भी उनके यू नो चीज़ प्रॉब्लम्स थी उससे लर्न नहीं किया, दिस पर्सन हैज़ नॉट लर्नड एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट। ओके, एंड दिस पर्सन इज़ अनविलिंग टू लर्न, जो इनका थर्ड पार्टी है वो उनका भी एनर्जी हो सकता है ना, वो बहुत बचकानी हरकतें करती होंगी, वो भी लर्न नहीं करना चाहती और आपका पर्सन भी इनके साथ कुछ भी लर्न नहीं किया, उन्होंने इनके जो भी लेसन्स है वो नहीं सीखा एंड इन दोनों के बीच में काफ़ी ग्रोथ नहीं था, लैक ऑफ ग्रोथ था इनके बीच में। ओके, एंड इन दोनों के बीच में पुअर एथिक्स थे, जो एथिक्स हैं उनके जो सोच है उनकी जो सोच है दोनों की सोच बहुत क्लैश करती है, दोनों के बीच में कमिटमेंट था ही नहीं, थर्ड पार्टी का किसी और के साथ भी अफेयर हो सकता है बिकॉज हमारे पास 5 of pentacles है, 110% थर्ड पार्टी के इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में एक और थर्ड पार्टी है। ओके गाइस, सो थर्ड पार्टी का किसी और के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है, फ़ोन पे बात करना, अननेसेसरी हरकतें करना, ऑल दीज थिंग्स यू नो इन द पाइल नंबर 3, एंड डेफिनेटली मिस्टेक्स थे दोनों के बीच में, दोनों की भी गलतियाँ थी, प्यार नहीं है इस रिलेशनशिप में बिकॉज द कार्ड इज़ इन रिवर्स एंड दोनों ने एफर्ट्स नहीं लगाए इस रिलेशनशिप को यू नो एबंडेंट बनाने के लिए, प्यार करने के लिए नहीं किया, कुछ भी वर्क ही नहीं किया इस रिलेशनशिप में, जब एफर्ट्स ही नहीं लगाओगे तो वो रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं एंड कोई भी गोल नहीं था इन दोनों का एक दूसरे के साथ। ओके, ऐसे ही जी रहे हैं, इनका एक बेबी हो सकता है, एक डॉटर हो सकती है या एक सन हो सकता है इनका। ओके, ओनली 1 baby एंड कोई डिटर्मिनेशन नहीं था एक दूसरे की तरफ कि नहीं मुझे करना है, डेडिकेशन नहीं था कि नहीं ये रिलेशनशिप को चलाना है, बिकॉज थर्ड पार्टी के अंदर थर्ड पार्टी है तो एंड दे माइट बी टॉकिंग टू यू नो अदर थर्ड पार्टीज, ऐसा भी हो सकता है एंड कोई मोटिवेशन नहीं है एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे को नीचे करने की कोशिश करते हैं, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, बदतमीजी है, अब्यूज़िव रिलेशनशिप हो सकता है, पॉवर्टी हो सकता है, पैसों की कमी हो सकती है, क्वालिटी नहीं है किसी भी चीज़ में, रिलेशनशिप में कोई क्वालिटी नहीं है एंड विद द 10 of wands इन रिवर्स आपकी तरफ, आपके साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी बिकॉज वो थर्ड पार्टी के साथ थे तो उनको नहीं छोड़ सकते थे, या इनके कुछ लीगल बैटल्स चल रहे होंगे, अभी भी चल रहे होंगे या चल चुका होगा या डेथ हो चुका होगा यू नो रिलेशनशिप का। ठीक है, एंड काफ़ी फॉगी है आपकी तरफ भी, बिल्कुल दिमाग के अंदर पूरा फॉगी पना भरा हुआ है, कुछ समझ नहीं आता। ओके, एंड ड्यूटी बाउंड है डेफिनेटली उनकी तरफ, उनके कुछ ड्यूटीज़ होंगे बेबी की तरफ, मनी देना, ओके, ऑल दीज थिंग्स
अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े तो डेफिनेटली उनको पैसे देते होंगे ये, एंड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, बेबी का भी एंड द थर्ड पार्टी का, एंड काफ़ी हैवी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाला होगा, जेल भेजा होगा या जेल भेजने वाले होंगे, ऑल दीज थिंग्स कैन कम अंडर दैट, एंड इनका रिलेशनशिप कोलैप्स हो गया एंड ब्रेक डाउन हो चुका है, एंड आपकी तरफ से भी ब्रेक डाउन हो चुका है, आपने भी ब्रेकअप कर लिया होगा इनके साथ, एंड काफ़ी स्ट्रेस है आपको भी उनको भी, एंड आपकी तरफ काफ़ी स्ट्रेस्ड है, आप भी बहुत स्ट्रेस्ड हो, आप भी बहुत हैवी फील करते हो, वो भी फील करते हैं, एंड आपका रिलेशनशिप भी ख़त्म हो चुका है, एंड ब्लॉक किया होगा आपको, बट वो वर्क हार्ड करना चाहते हैं, यू नो आपकी तरफ आना चाहते हैं, एंड वो यू नो वो लर्न कर रहे हैं नो कैसे बोलना है, शायद उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कार्मिक के साथ रह के कि जहाँ पे गलत हो वहाँ पे नो कैसे बोलना है, गलत हो रहा है तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, देन ओनली यू कैन राइज एंड शाइन, ओके, एंड डेफिनेटली दे विल लेट गो, उनके साथ लेट गो करना चाहते हैं, एंड वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी हैं, जितने भी 10 of Wands उनके यू नो कंधे पे वो लेके चल रहे हैं उसको वो नीचे रखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड 3 महीने में क्या होने वाला है अगर आप पूछोगे तो डेफिनेटली विद द 5 of Pentacles 3 महीने में इनका लीगल बैटल अभी चल रहा है और वो सामने आ जाएगा सब कुछ, क्योंकि उस चर्च के अंदर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, दो लोग एक दूसरे को यू नो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड किसी ने किसी को कैच किया है उस चर्च के अंदर, ओके, वो सब चल रहा होगा, एंड फाइनेंशियल हार्डशिप बहुत होने वाला है इनको, एंड पैसों की किल्लत आने वाली है, टेम्पररी चीज़ें हैं, ऑलरेडी अभी रिसेशन का टाइम है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, डेफिनेटली उनके चीज़ों में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं या आ चुकी होंगी, एंड 5 months में उसको और भी बढ़ जाएगा वो, एंड वो रन अवे हो जाएंगे इससे, बहुत उनको दिमाग ख़राब हो जाएगा, नेगेटिव रहेंगे, बिल्कुल नेगेटिव बातें करेंगे 3 महीने में, और यू नो अपने को लेफ़्ट आउट करेंगे, यू नो सम दैट पर्सन विल फील दैट दे आर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, एंड उनको अकेला कर दिया सबने, और फाइनेंशियल लॉस होगा बिकॉज दे विल आस्क फॉर मनी, डेफिनेटली बहुत पैसा देना पड़ेगा, एंड बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, एंड उनको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट में है, बट you know this is the karmic cycle, you have to learn from that, then only you can rise and shine, okay, aur struggles hain bahut zyada, 5 mahine mein bahut hardship aane wala hai, and bad luck keh lo isko, bad luck bhi aa sakta hai, and इनके घर में प्रॉब्लम होगी, इनको घर से वो निकाल देंगी, ऑल दीज थिंग्स होगा, होमलेसनेस घर से निकाल देंगी, बोले धक्के मार के निकाल देंगी, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दैट, ओके, बहुत ही पॉवर्टी का कार्ड है तो गरीबी आ जाएगी, बहुत पैसे में किल्लत आ जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी क्लास लगा देंगी, बिल्कुल थर्ड पार्टी कैन बी अ लिटिल बिट यू नो उनके पास सब कुछ हो सकता है, ओके, अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, इनकी जॉब जा सकती है, ऑल दीज थिंग्स, बैंक्रप्सी हो सकता है, पैसों की बहुत दिक्कत आ जाना, पैसे ख़त्म हो जाना, बैंक्रप्सी के लिए अप्लाई करना, ऑल दीज थिंग्स, इलनेस हो सकता है, तबीयत ख़राब, डायबिटिक हो सकते हैं, सर में दर्द, पेन, पेन इन द हेड, होल बॉडी में पेन, ऑल दीज थिंग्स, एंड डेफिनेटली डिवोर्स तो है ही, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डिवोर्स, ब्रेकअप, ओके, एंड स्कैंडल होगा बहुत बड़ा, किसी तरीके का स्कैंडल होगा, ऑल दीज थिंग्स हैपन इन 3 months, वो आपको कब कॉन्टैक्ट करेंगे, 10 महीने के अंदर अंदर वो कॉन्टैक्ट करेंगे, आफ्टर 5 months उनको हीलिंग के लिए टाइम लगेगा, तो वो 5 महीने के बाद ही आपको कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, ओके गाइस, एंड डेफिनेटली इनको उन्होंने बैक स्टैप कर दिया है विद द 10 of Swords, पीठ पे छुरा खोप दिया है, या हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने पीठ पे छुरा खोपा हो, ओके, एंड बिट्रेल हुआ है, इनके साथ धोखा हुआ है, एंड एनिमीज इनके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इनके यू नो थर्ड पार्टी की तरफ से इनको कोई अटैक भी कर सकता है, तो ये सब चीज़ें चलेंगी, और बिचिंग चलेगी इनके बारे में, बहुत उल्टी पुल्टी बातें बोलेंगे, पीठ पीछे बैड माउथिंग करेंगे कि ये लड़का ठीक नहीं है, ऑल दीज थिंग्स ऐसे सब बोलेंगे सब लोग, बट ये इन सब से निकल के आ जाएंगे, बिटरनेस, एंड इनको ये जो थर्ड पार्टी वो डोर मैट की तरह ट्रीट करते होंगे, बिल्कुल नीचे जैसे डोर मैट लगा रहता है, यू नो कुछ भी नहीं समझते होंगे, बदतमीजी करना, गालियाँ देना, मुँह तोड़ना, एंड चांटे घूसे लात मुक्के बॉटल से मारना, गर्म पानी फेंकना, ऑल ये नौटंकीबाजी कार्मिक के साथ ही चलता है, ओके गाइस, तो ये सब चल रहा होगा, फेलियर हो चुका है इनके रिलेशनशिप का, रुइन कर दिया इन्होंने आपके पर्सन का लाइफ, ओके, काफ़ी एग्जॉशन में होंगे ये, तब आपके पास आएंगे, तो आपको इनको सहारा देना पड़ेगा, गुड बाय कह देंगे इस रिलेशनशिप को, बहुत ड्रामा चलेगा 5 महीने के अंदर अंदर, एंड डेफिनेटली
दिस पर्सन योर पर्सन विल बी प्लेइंग विक्टिम, इनको विक्टिमाइज कर देंगे वो बिल्कुल, यू नो, एंड इनका जो ट्रायल चल रहा है कोर्ट में वो सब चीज़ें से बाहर आएंगे, एंड इनका जो भी यू नो दे कैन अटैक देम, इनको अटैक भी कर सकते हैं, थर्ड पार्टी बहुत पावरफुल हो सकते हैं, काफ़ी वायलेंस होगा, उल्टी पुल्टी बातें, ऊँची आवाज़ में बात करना, ऑल दीज थिंग्स, ओके गाइज, सो डेफिनेटली 10 मंथ्स के अंदर अंदर वो आपकी तरफ आएंगे और आपको यू नो कमिटमेंट दे सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, रिलेशनशिप में आ सकते हैं, सो आपको दिखेगा चेंजेस 10 महीने के अंदर अंदर, ओके गाइस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट अ थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ डोंट नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, इफ यू नीड अ पर्सनल बुकिंग फ्रॉम मी एवरीथिंग इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल एंड इंस्टाग्राम एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट एंड थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस, बाय.